दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो का रिचार्ज हुआ 25% तक महंगा। अगर दोस्तों आप लोग भी जियो सिम यूजर हैं और आप लोग भी जियो के साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को बता दें 2024 में जियो कंपनी ने अपने रिचार्ज पर 25% तक महंगा कर दिया है, जिसका नया रिचार्ज प्लान भी जारी कर दिया है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि नया रिचार्ज प्लान कब से लागू होने वाला है, जिसमें आपको 25% तक एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा तब जाके आपका रिचार्ज होने वाला है। और अगर आप लोग भी पुराने रिचार्ज पे अपना रिचार्ज कर लेते हैं तो कब तक आप लोग अपने पुराने रिचार्ज प्लान पे वैलिड हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। सो अगर आप लोग भी जियो रिचार्ज प्लान नया वाला जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जियो कंपनी ने नए टैरिफ प्लान का जो चार्ट है वो यहां पर जारी कर दिया है और मेरे सामने यहां पर चार्ट ओपन होके आ चुका है। और अगर आप लोग भी ये चार्ट को आसानी से डाउनलोड करना चाहते हैं, जिसका लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर क्लिक करके डायरेक्टली इस चार्ट प्लान को डाउनलोड करके खुद से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि जो आपके रिचार्ज प्लान है वो यहां पर कितने महंगे हुए हैं, इस टाइम आपका प्लान कितने का चल रहा था, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, कितने दिनों की वैलिडिटी मिलेगी और न्यू प्लान रेट यहां पर कितना है, इन सबके बारे में इस वीडियो में आपको बारीकी से समझाएंगे। तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, हमारा जो टैरिफ टेबल है वो यहां पर ओपन हो चुका है और यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर मंथली, टू मंथ प्लान, थ्री मंथ प्लान आपको देखने को मिलेंगे। और ये यहां पर दूसरे नंबर की जो टेबल है यहां पर आपको पुराने रेट देखने को मिलेंगे कि पुराने रेट यहां पर कितने हैं। इसके बाद यहां पर आपको अगला टेबल मिल रहा है बेनिफिट अनलिमिटेड वॉइस एंड एसएमएस प्लान का। इसके बाद यहां पर वैलिडिटी का आपको ऑप्शन मिल रहा है और इसके बाद यहां पर जो नए प्लान के प्राइस हुए हैं उनकी भी डिटेल आपको यहां पर लिखी हुई देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंथली प्लान के बारे में। जैसा कि आप लोग कोई भी प्लान करते हैं, एक तारीख को करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट प्लान होगा वो यहां पर एक ही की तारीख को होगा। अगर आप लोग सपोज 8 तारीख को करते हैं तो आपका जो अगला प्लान है वो यहां पर 8 तारीख को ही एक्सपायर होगा। तो ऐसे में आप लोग यहां पर देख सकते हैं, यदि आप लोग 155 वाला रिचार्ज कराते हैं जिसमें आपको केवल 2 GB डाटा मिलता है पूरे एक महीने के लिए, चाहे आप एक दिन में खत्म कर दें चाहे आप पूरे एक महीने तक चलाएं, जिसकी जो वैलिडिटी है वो यहां पर 28 दिन की है, जिसका जो प्लान था जो पहले था 155 था लेकिन नया प्लान यहां पर 189 का जारी किया है और अब आपका 189 रुपए में प्लान होने वाला है। लेकिन ये प्लान कब तक जारी होगा इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। दूसरे नंबर पे आप लोग यहाँ पे प्लान देख सकते हैं, 209 रुपए का प्लान है और जिसमें आपको 1 GB पर डे डेटा मिलता है, वैलिडिटी आप लोग देख सकते हैं 28 दिन है। और जो अब नया प्लान बनाया जाके वो दोस्तों यहाँ पर 249 रुपए में 209 वाला आपको प्लान मिलने वाला है। मतलब आप लोग देख सकते हैं इस वाले प्लान पे टोटल 40 रुपए बढ़ गए हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट पॉपुलर प्लान जो की 239 का सारे कैंडिडेट ज्यादातर कराते हैं, जिसमें आपको 1.5 GB पर डे डेटा मिलता है और 28 दिन तक मिलता है, जिसका जो प्लान रेट है वो यहां पर 299 का कर दिया है अब। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 299 वाला जो प्लान है जिसमें आपको 2 GB डाटा पर डे मिलता था 28 दिन तक, जिसका जो प्लान आप लोग देख सकते हैं वो यहां पर 349 रुपए का कर दिया है। इससे पहले ये प्लान 299 का था, अब इसे 349 का कर दिया है। इसके बाद देख सकते हैं 349 वाला प्लान जो कि यहां पर 2.5 GB पर डे जिसमें 28 दिन वैलिडिटी है, जिसका जो नया प्लान रेट है वो यहां पर 399 कर दिया है। इसके बाद 399 जिसमें 3 GB पर डे डेटा मिलता है 28 दिन के लिए, जिसका प्राइस 499 यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद हम आ चुके हैं 2 मंथ वाले प्लान में जो कि यहाँ पर 479 रुपए का था, जिसमें 1.5 GB डेटा पर डे मिलता था 56 दिन की वैलिडिटी के साथ, लेकिन अब इस प्लान को यहाँ पर 579 रुपए में कर दिया है, मतलब 100 रुपए यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। इसके बाद दूसरा जो प्लान है 2 मंथ वाला वो 533 रुपए का है, जिसमें 2 GB पर डे मिलता है और ये 56 दिन के लिए था और ये प्लान अब कर दिया है 629 रुपए का। इसके बाद यहाँ पर 3 मंथ का जो प्लान है वो यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर जो कि 5G यूजर्स हैं, इसमें आपको यहाँ पर 395 रुपए का रिचार्ज कराते थे जिसमें 6 GB डेटा आपको पर डे मिलता था 84 दिन के लिए। जो रिचार्ज जारी होगा यहाँ पर नया वो यहाँ पर 479 रुपए यानी 480 रुपए तक का कर दिया है। इस पर भी आपको यहाँ पर 80 से 84 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट पॉपुलर प्लान जो कि यहाँ पर 666 रुपए का, जिसमें 1.5 GB पर डे डेटा मिलता था 84 दिन के लिए, ये प्लान यहाँ पर 799 रुपए का पहुंच चुका है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं जो 719 वाला प्लान था जिसमें आपको 2 GB पर डे डेटा मिलता था 84 दिन के लिए, जो कि 719 को हटा के 859 रुपए का कर दिया है। इसके अलावा यहां पर देख सकते हैं 999 रुपए का एक प्लान था जिसमें
3 GB डेटा आपको पर डे मिलता था 84 दिन के लिए, जो प्लान यहाँ पर 1199 रुपए, मतलब आप लोग देख सकते हैं सीधा सीधा 200 रुपए का यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो यहाँ पर लग गया 25% डाटा 25% महंगा होने की वजह से। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एनुअल प्लान जो कि पूरे ईयर के प्लान होते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर 1559 रुपए का पे करना पड़ता था पहले, जिसमें आपको 24 GB डेटा मिलता था, साथ में आपको यहाँ पर 336 दिन की वैलिडिटी मिलती थी, और इसका जो प्राइस है वो अब यहाँ पर 1899 रुपए कर दिया है। इसके बाद आपको एक प्लान और मिलता था 2999 रुपए का, जिसमें 2.5 GB पर डे मिलता था 365 दिन के लिए, जिसका जो रेट है वो यहाँ पर 3599 रुपए कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर एड डेटा प्लान जो कि आप लोग को मालूम होगा 15 रुपए में इमरजेंसी डेटा आप लोग करते होंगे 1 GB जिसमें डेटा आपको मिलता था, लेकिन ये जो प्लान है वो अब यहाँ पर 19 रुपए का कर दिया है। इसके अलावा अगर आप लोग इमरजेंसी डेटा प्लान 25 रुपए वाला करते थे जिसमें आपको 2 GB डेटा पर डे मिलता था, जिसका जो प्लान है अब यहाँ पर 29 रुपए का कर दिया है। इसके अलावा एक प्लान और था 61 रुपए का, जिसमें 6 GB डेटा आपको मिलता था, और ये प्लान अब यहाँ पर 69 रुपए का यहाँ पर कर दिया है। इसके बाद पोस्ट पेड जो प्लान है वो यहाँ पर 299 रुपए का था, जिसमें 30 GB डेटा आपको मिलता था बिल साइकिल की तरफ से, और ये प्लान यहाँ पर 349 का कर दिया है। इसके बाद एक प्लान और इनका था यहाँ पर 399 रुपए का, जिसमें 75 GB डेटा मिलता था, और ये प्लान आपको यहाँ पर 449 में कर दिया है। तो फाइनली ये था कुछ नए प्लान का प्रोसेस जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। बाकी आप लोग ये खुद से भी चेक करना चाहते हैं तो मैंने अपनी वेबसाइट पर लिख रखा है सक्सेना टेक्निकल पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां पर क्लिक करके डायरेक्टली इस प्लान के चार्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इनका नोट्स देखने को मिलेगा, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहली लाइन इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लिख रखी है जो कि यहाँ पर 5G यूजरों के लिए है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अनलिमिटेड 5G डेटा विल बी अवेलेबल ऑन ऑल 2 GB डेटा एंड अबाउट प्लान, मतलब आप लोग समझ सकते हैं जो भी 5G यूजर्स हैं या फिर जो भी 5G फोन यूज कर रहे हैं उनका जो 5G डेटा प्लान अनलिमिटेड वर्क करेगा वो यहाँ पर 2 GB पर डे वाले प्लान पे यहाँ पर वर्क करेगा। इसके अलावा आप खुद इंस्टॉल करके ऊपर देख सकते हैं 2 GB वाला जो डेटा का प्लान है वो यहाँ पर कितना महंगा हुआ है, और आप लोग उस डेटा प्लान वाला पे आप लोग अपना 5G को यूज कर पाएंगे। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं द न्यू प्लान विल बी मेड इफेक्ट यहाँ पर 3 जुलाई 2024 से आपके जो प्लान है ये नया वाला है ये लागू होने वाला है। अगर आपका इससे पहले रिचार्ज खत्म हो रहा है, जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं 28 को 29 को 30 को 1 जुलाई 2 जुलाई को खत्म हो रहा है, तो भाई साहब आप लोग तुरंत अपने रिचार्ज को करा लीजिएगा, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लोग यहाँ पे 3 महीने का कम से कम तो करा लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे तो टाइम में आपको कराना ही कराना है, लेकिन आपको यहाँ पर 3 महीने का कम से कम आप लोग रिचार्ज कराएंगे तो दोस्तों आपको यहां पर कम से कम 80 से 90 रुपए तक की छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग यहां पर 3 महीने का नहीं कराते हो या फिर आप लोग 3 जुलाई के बाद कराते हो तो आपका जो नया चार्ट प्लान है वो यहां पर ये वाला लागू हो जाएगा, जिसमें आपको 80 से 90 या फिर 100 रुपए तक आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो अगर आप लोगों का जो रिचार्ज प्लान है वो यहां पर 3 जुलाई से पहले खत्म हो रहा है तो आप लोग जल्द से जल्द अपने रिचार्ज को जरूर करा लीजिएगा, ताकि आपका जो प्लान है वो यहां पर पुराना ही लागू हो जाए। इसके बाद आप लोग भी इसकी इंफॉर्मेशन को पूरा जानना चाहते हैं तो मैंने अपनी वेबसाइट पर ये नोटिस भी डाल रखा है, तो लिंक आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, जाके आप लोग चेक कीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जियो प्लान रिचार्ज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अदर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन अपडेट मिलती रहे। बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।